श्रोता बंधु, ये जो चिकनी भजनों का कार्यक्रम आपके ग्राम बैलारा कुमेर में चल रहा है, द्वितीय दिवस में दूसरे दिन की प्रस्तुति सभी कलाकार अपने योग्यता के अनुसार आपको सुना रहे हैं। यूट्यूब के निर्माता है पंडित रोहितास, डीजे साउंड जनुथर से ढोलक का साथ दे रहे हैं सजनों। दूरदर्शन के कलाकार भाई भजनलाल जी फतेहपुर सीकरी मदनपुरा से, पैर की आवाज जिकड़ी के वरिष्ठ कलाकार रहे हैं भाई रामजी जी बड़ी गवाले, मंच का संचालन कर रहे हैं जिकड़ी के सम्राट माइस्टर श्यामलाल जी खंसवारा से, और आपके सामने अपनी आवाज से परिचय करा रहे एक छोटे से कलाकार प्रहलाद सिंह पुरा मालोनी रूपास भरतपुर राजस्थान से। आइए सुनिए। सजनों, एक बात मैं भी कहूंगा, मैंने कल भी कहा था और आज फिर कह रहा हूं, ये गाना बजाना वास्तव में कुछ कोटि की कला है, इसको कोई जानने वाला ही जान पाता है। ऐसा नहीं है कि मनगढ़ंत कहानी जो भी आप सुन रहे थे, टाइम भी बहुत हो चुका है, लेकिन ज्यादा समय न लेते हुए भजनलाल जी मैं आपके मन को प्रफुल्लित करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैंने कल भी कहा था कि मैं अभी सीखने में लगा हुआ हूं साहब, 32 साल तो हो गए मुझे सीखते सीखते, अभी सीख रहा हूं साहब, ये तो बड़े बड़े कलाकार हैं, मैं तो कोशिश कर रहा हूं साहब। सुनिए, सुंदर सी बात लिख दी है और कहा भी है, तलवार से इनसे काम नहीं चलेगा, एक मारने का तरीका मेरे पास में है, जरा गौर से सुनिए। मारना है कल किसी को तो तुम मार दो एहसान से, वरना दुश्मन मर नहीं सकता किसी। क्या होगा भला, क्या होगा भला अगर तुम मार दो बख्श दोगे जान तो मर जाएगा एहसान। क्या आदमी मर सकता है हर मार का मारा हुआ, लेकिन सर उठा नहीं सकता कभी एहसान का मारा हुआ। सजनों, वास्तव में समय कम है और काम ज्यादा है, इस मनुष्य को थोड़ी चेतावनी हमारे कवियों ने लिख दी है, यह मनुष्य का जीवन तुझे अब दोबारा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? पूरा जीवन भगवान का तूने भजन नहीं किया, और
आजकल की नई पीढ़ी तो मोबाइल में ही टेमे निकाल रही है सर, लेकिन सुना कभी क्या कह रहे हैं? जरा सोच जरा मत वाले सा तुम मिट्टी में मिल जाएगा। अभी तेरे पास में समय है क्या? सोच जरा और मत वाले इंसान तू मिट्टी में मिल जाएगा। बसमी तेरी अरे पड़ी रहेगी, अरे बसमी तेरी अरे पड़ी रहेगी, बम है तेरे कफन उठाएगा। सोच जरा मत वाले इंसान तेरा कोई नहीं है। धन दौलत यार माल खजाना नहीं काम तेरे आएगा। ए, अरे धन दौलत हाँ धन दौलत यार माल खजाना नहीं काम तेरे आएगा। अंत में क्या होगा? जिस दिन तेरा दम निकलेगा, बहुत अच्छे, ओ जिस दिन तेरा दम निकलेगा। और ये क्या मतलब का आशीर्वाद? भगवान सिंह जी बेलारा वाले और एक से एक रुपए का आशीर्वाद पंडित रोहिता जी जनुथर वाले जो यूट्यूब के निर्माता हैं। ओ जिस दिन तेरा, जिस दिन तेरा, और इक्यावन रुपए का आशीर्वाद चेतराम पंच जी दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस दिन तेरा, जिस दिन तेरा दम निकलेगा हंस अकेला जाएगा। सोच जरा मत वाले बहुत अच्छे। अरे भैया भजनलाल, लेकिन आदमी सारी बातों को भूल जाता है। तू शंकर भज ले, ए तू शंकर भज ले, चाहे विष्णु भज ले, चाहे भज ले पूछरी को लौटा है। पूछरी को लौटा तुम सबने देखे हो, तुम्हारे नजदीक में है ना, लेकिन सुनो। अरे शंकर भज ले, चाहे विष्णु भजले भजले पूछरी को लौटा है। कहे कुइत बित लुढ़क रे, कहे कुइत बित लुढ़क रे, जैसे बिन पैदी को लौटा है। शंकर भजले विष्णु भजले भजले पूछरी को लौटा है। बहुत अच्छे, देखिए प्रसंग मेरा वही है और मैं कोशिश करूंगा आपको शुद्ध जिगड़ी सुनाने की, क्योंकि यहां जानकार भी है, ऐसी बात नहीं है। प्रसंग मेरा वही है और 51 रुपए बलवीर मार साहब दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आज भीमसेन कहां कंगन की तलाश में जा रहा है, वही प्रसंग है कल वाला। कंगन की तलाश में चल दिया और कहां पहुंच रहा है? उसी पियावा जंगल में,
जहां अर्जुन को वो कंगन मिला है उसी बियावान जंगल में पहुंच गया। ठोके ताल भीम को अहंकार था अपनी ताकत के ऊपर, ठोके ताल भीम अहंकार है इस सबरे बल में डोल रहे हो, और है कोई माई को लाल रोक ले जो बिना बात के बोल रहा हूं। घूमत घूमत हाजी लाओ घूमत घूमत भीम बली फिर भाई ताल पे आओ, और जहां अर्जुन को वो कंगन पायो उसी ताल पर पहुंच गया जहां अर्जुन को वो कंगन मिला है। लेकिन सज्जनों अब देखना, भीम ने एक सुंदर स्त्री को देखा और भजलाल बहुत सुंदर स्त्री आज देख रही है भीम की ओर, लेकिन भीम उसके श्रृंगार को देख रहा है और क्या हो रहा है भैया। क्या बिधना को लेख भी बना और देखन देरी करी है, एक सुंदर अभुला नार भी मकी बता लपन कर करी। जाके सोले ऊ श्रृंगार नो लखा, जाके सोले ऊ श्रृंगार नो लखा, हार दीप रहे कैसे ओ सोले ऊ श्रृंगार नो लखा, हार दीप रहे कैसे जस मां बट बरसे, मां बट बरसे बादल में से बिजली चमके जैसे, मां बट बरसे बहुत अच्छे क्या। अब देखिए कुछ कलाकार बंधु जो आपको उपदेशक बातें बताते हैं दोलान में, मैं भी कहूंगा अभी आल आप सुन रहे थे। हाँ जी जल्दी कर लो सामने दो लाइन में, मैं भी कहूंगा और वो दो लाइन समझदार के लिए सारा काफी है। क्या गोरी हो बदकार नार से, क्या बात है। स्त्री के बारे में अभी बोल रहे थे हरिशंकर जी हमारी नारियों के बारे में, अरे गोरी हो बदकार नार से काली काली सच्ची हो, जल्दी कर लो कागर रहे तुम, अरे गोरी हो बदकार नार से काली काली सच्ची हो। और 20 रुपए का पुरस्कार उषा चौधरी हमें पुरस्कार दे रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे गोरी हो बदकार नार से काली काली सच्ची हो, और गरीब घर की गरीब घर की गरीब घर की बच्ची हो पर चाल चलन की अच्छी हो, गरीब घर की बच्ची हो पर चाल चलन की।
ने देखा है सुंदर स्त्री की ओर, मन में विचार कर रहा है या तो है ये देवसुता, या तो है ये देवसुता, या काऊ फुफक जाई है, या है ये कोई परी अप्सरा या इंद्रलोक से आई है। चुप तो चुप तो, फिर भीम बलि निकट नार के आया और जहां अर्जुन को वो कंगन आया, स्त्री के नजदीक पहुंच गया। कुछ कमियां नजर आ रही है भीम को, भजनलाल चौक के माध्यम से क्या कमी मिली सुनिए। आज भी माने करी है क्यों नहीं जाती माती भरिए तेरे भी माली दो मिनट को बीच मार दी, दो मिनट के लिए। आज भी मानी जय हो, अरे भी मानी नजर करी है। और एक क्या मरे का आशीर्वाद भूरी सिंह अधैया, एक क्या मरे का आशीर्वाद दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भी मानी नजरी करी है क्यों नहीं आती मांग भरिए भैया, बहुत अच्छे। और क्या मर बेगा आशीर्वाद बीबी सिंह गिरधरपुर मथुरा, अच्छा ये अरे यमराजी, अरे यमराजी लगे मोई के रो, क्या देखा भीमाने अरे यमराजी, अरे यमराजी लगे मोई के रो, कंगन ये कहा तुम्हें तेरे, कंगन ये कहा तुम्हें तेरे। पांच कोई बात ना है, गानों का एकदम साहब क्या कथाएं बढ़ाए दम आगे हैं गानों मोए सो अंदाजे गानों तुम सुनेंगे। अब सज्जनों कल से अब तक आपने गीत गाने भी बहुत सुन लिए, देख लो बड़े बूढ़े नहीं फरमाइश है। सुनो, मैंने कल भी गाना नहीं गाया और कथा को आगे बढ़ाऊंगा और आपकी आज्ञा मिलेगी तो गीत भी गाऊंगा। सुनिए क्या है, आज भीम ने उस सुंदर स्त्री को देखा, थोड़ा भीम नजदीक जा रहा है, उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। एक हाथ में कंगन है, उस स्त्री के एक हाथ में कंगन है और वो ही कंगन है जिसका जोड़ा लेने के लिए भीम गया है। लेके कंगन लगा मिलाए में जोट के जब की बन गई है और देख की भीमा खुशी भयो पर भुजा भीम की बन गई है। जिसको लेने के लिए मैं आया था
वो मेरे सामने है। आज थोड़ा स्त्री की ओर बढ़ रहा है और सुंदरी की ओर जा रहा है, लेकिन जैसे ही भीम को आते देखा भजनलाल, वो स्त्री वहां से दौड़ना शुरू करती है। सुनिए लंगड़ा ढोला क्या कहता है। जगदीश जी जिला शिक्षा अधिकारी रिटायर्ड हैं, हमारे लिए 101 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और 51 रुपए हिम्मत सिंह जी नगला मना से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। नारीवाद 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 बीमाने भक्ति देखी नार भक्ति कामिनी देखी भी मनी। देखो कल्लू नंबर चाय में ही आयो मेरो, कल्लू गाड़ी घाटे में गई और अब जे मानने ना है चाय बांटे बिना है, बांट लो भैया बांट लो, क्योंकि लेट है जाने फिर तुम। ओ भजती कामिनी देख भी मनी मारे हला मारे हला पीछे ते भी मारो हे भार, मारे हला पीछे ते भी मारो हे। भीम ने उस स्त्री की ओर दौड़ना शुरू किया है और वो स्त्री कहां पहुंच गई, उसी तालाब के नजदीक, उसी तालाब के किनारे जहां अर्जुन को वह कंगन मिला है। दूर भीम खड़ा है, भीम सोच रहा है मेरे अंदर तो 10,000 हाथियों का बल था, लेकिन एक स्त्री को मैं पकड़ने में नाकाम हो गया। आज खड़ा खड़ा सोच रहा है और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा है। सुनिए बारहमासी क्या कहती है। बड़े गौर से देख रहा भैया, बड़े गौर से देख रहा और वो कुंती को लाला अरे भीम बली को देख ताल में कूद गई माला। धारी
जैसा बलवान एक स्त्री को नहीं पकड़ पा रहा हूं। और ये 51 रुपए का पुरस्कार ज्वाला पिशाची भूतपूर्व सरपंच साहब हमें आशीर्वाद दे रहे। सुनिए, ना कोई और 51 रुपए निहाल सिंह जी कांके साहब बेलारे कहीं है, बहुत बहुत बढ़िया। अरे ना कोई ओहो जय हो। 51 रुपए कलवा सरपंच साहब दे रहे साहब, बला दे रहे पसीजे सरपंच साहब। अरे ना कोई बलकी है सीमा, ना कोई बलकी है सीमा, पीछे ते भरी छलांग ताल में कूद गया। भीमसेन ने छलांग लगा दी। सुनिए हुआ क्या है, जैसे ही जल के अंदर गया क्या देखा बेटा, फाटुआ सोच रहा है कि मैंने ऐसे महल कभी नहीं देखे। महलों की शोभा को निरखते हुए आगे की ओर बढ़ गया। सामने गया तो वही सुंदर स्त्री चली आ रही है, ना तो भीम कुछ कहने की हिम्मत जुटा पा रहा उससे, और ना ही बस सुंदर स्त्री आज कुछ कहने की हिम्मत जुटा पा रही है। दोनों आमने सामने हो गए और सुनिए जिगड़ी की उड़ान जो अंतिम पॉइंट है क्या है। उड़ान की तर्ज मैंने नौटंकी से चुनी है। हमारे गुरुजी खड़े हैं और देखो गायबो बजायबो लेसुर और ताल को है गोरे साहब, इसमें बड़ी जान झोंकनी पड़ती है। स्वर की पहचान हमारे गुरुजी जानते हैं कि स्वर क्या चीज है। कामिनी कजरा रे मेरा। अब नौटंकी वाले क्या बोलते हैं, ध्यान धर सुन लियो श्रोता,
कोई मंत्र दियो मार। किसने? उस सुंदर युवती ने भीम के ऊपर। कोई मंत्र दियो मार, भीम को बना दियो। राम राम साहब, मुझे तो पता ही।